वेलकम बैक टू द लास्ट एपिसोड ऑफ परसेंटेज। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में सिक्स टाइप्स के क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए, तो ये हमारे लास्ट टाइप के क्वेश्चन है, दैट इज वोटिंग। ठीक है ना, जो इलेक्शन में वोटिंग होती है उसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के, उसको हम आज डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 65%। अब देखो, इलेक्शन जो है वो दो कैंडिडेट्स के बीच में होता है, ठीक है, और उसमें एक विनर होता है जिसके ज्यादा वोट्स जो है वो डलते हैं। तो दो कैंडिडेट्स के बीच में जो एक है उसके उसको 65% वोट्स मिले, एंड ही इज वॉन बाय, एंड ही वॉन बाय 300 वोट्स। ठीक है, देखो टोटल जो है वो 100% होता है। अगर इसको 65% वोट्स मिले हैं, ठीक है, जो विनर है, तो जो दूसरा है उसको 35% मिले होंगे, है ना? ओके, अब देखो यहाँ पे इसको 65 मिले, इसको 35 मिले, तो परसेंटेज में जो है इसको कितने ज्यादा मिले? 30% ज्यादा मिले, ठीक है, और एक्चुअल में इसको कितने ज्यादा मिले? 300 वोट्स। इसका मतलब 30% ऑफ द टोटल वोट्स, जो टोटल वोट्स का जो 30% है वो कितना हो जाएगा? 300 के बराबर। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। इस कैंडिडेट को 65% मिले टोटल का, इसको 35% मिले, तो ये 65% वाला जो है ये 35 से कितना परसेंटेज ज्यादा ले गया? मतलब कि अगर इसको 65 ले लें, सपोज इसको 35 ले लें, तो ये कितना ज्यादा है? ये 30 ज्यादा है परसेंटेज में, ठीक है, तो 30%, और एक्चुअल में इसको कितने ज्यादा मिले? 300, तो 30% ऑफ टोटल वोट्स जो वो 300 आ जाएगा। ओके, अगर आप कैंसिल करते हो तो जो टोटल वोट्स हैं वो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1000। दैट इज ऑप्शन जो डी है वो हमारे पास सही आएगा। दिस इज क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन अ इलेक्शन ऑफ टू कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट हु गेट्स 40% ऑफ द टोटल वोट्स रिजेक्टेड बाय 80 वोट्स। जिस कैंडिडेट को 40% मिले वोट्स, वो 80 वोट से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इसको मैं और सिंपल तरीके से अगर बताऊं तो टोटल वोट्स आप ले लो 100x। ठीक है, टोटल वोट्स आप कितनी ले लो? 100x। अब देखो फर्स्ट कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेट है, इसको 40% मिले, मतलब इसको 40x वोट्स मिले। दूसरे कैंडिडेट्स को कितने मिले होंगे? 60x मिले होंगे ना, जो रिमेनिंग है। ओके, अब देखो ये रिजेक्टेड बाय 80 वोट्स है ना, मतलब जो दूसरा, ये जो विनर है, ये 80 वोट से जीत गया। ठीक है, देखो यहां से ये कितना ज्यादा है? ये 60x है, ये 40x है, कितना ज्यादा है? 20x ज्यादा है, और एक्चुअल में ये कितने वोट ज्यादा है? 80। इसका मतलब 20x की वैल्यू हमारे पास जो है, हम 80 रख सकते हैं। गॉट इट? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 4। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे पास कितने हैं? 100x। तो अगर एक्स 4 है तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इलेक्शन ऑफ टू कैंडिडेट्स, 12% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, इसका मतलब अगर 100x टोटल वोट्स हैं, इसमें 12% वोटर्स ने वोट्स नहीं डाले। ठीक है, मतलब 12x लोगों ने वोट नहीं डाले, इसका मतलब वोट कितने लोगों ने डाले होंगे? 88x। द विनर बाय गेटिंग 45% ऑफ टोटल वोट्स, जो विनर है उसको कितने वोट्स मिले? 45% ऑफ टोटल, ठीक है ना, मतलब उसको 45x वोट मिले होंगे। ठीक है, इसका मतलब जो डिफीट हुआ, जो हारा, उसको कितने मिले होंगे? 88x टोटल, यहाँ पे टोटल जो वोट्स हैं, यहाँ पे 45x इसको मिले टोटल का, तो जो रिमेनिंग है वो कितना आएगा? 43x आएगा ना। ठीक है, तो जो डिफीट हुआ उसको 43x मिले होंगे। अब देखो इसको इससे कितने ज्यादा मिले वोट्स? 2x, राइट? और एक्चुअल में कितने ज्यादा मिले? 2000 वोट्स। मतलब 2x की वैल्यू आप बराबर रख सकते हो 2000 के। अगर 2x 2000 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने? 1000। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हमारे पास? 100x। तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 लाख। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वोटर्स होंगे। दिस इज क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन 10% पर्सन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, तो टोटल वोट्स हम 100x मान सकते हैं, राइट? टोटल, और इसमें कितने लोगों ने वोट्स नहीं डाले? 10%, 10x लोगों ने वोट नहीं डाले। ओके, इतना मतलब कितने लोगों ने वोट डाले होंगे? 90x लोगों ने, एंड 10% फाउंड टू बी इनवैलिड, और 10% जो है वो इनवैलिड निकले। ठीक है, अब देखो ये जो टोटल, ये जो वोट्स डाले हैं, इनमें से 10% जो वो वैलिड ही नहीं थे। ठीक है, अब देखो इसका 90x का 10% कितना होता है? 9x, तो ये है इनवैलिड। ओके, इसका मतलब वैलिड वोट्स कितने होंगे? 81x। ठीक है, 81x क्या है? वैलिड वोट्स। देखो विनर गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक है, तो उसका जो 54% है वैलिड वोट्स का, वो विनर को मिला, और ही वॉन बाय 1620 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स।
सो इसमें जैसे कि अब देखो, विनर को अगर 54% मिले है, इसका मतलब जो लूजर होगा उसको कितना मिला होगा, 46% मिला होगा, है ना, क्योंकि कंबाइंड परसेंटेज 100% ही बनेगी। ठीक है, अब देखो 54% इसको मिले, 46% इसको मिले, ये इससे कंपैरिजन में कितने परसेंटेज आ गए हैं, 8%। ठीक है, इसका मतलब 8% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1620 के बराबर। ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 81x वैलिड वोट्स हैं और विनर इतने वोट से जीता है, और यहाँ पे विनर के 8% ज्यादा है, 8% ऑफ वैलिड वोट्स जो है 1620 के बराबर होगा। यहाँ से आप जो है वैल्यू निकाल सकते हो, ये 81 और ये कैंसिल हो जाएगा पूरा 20 पे। ठीक है, इसको कैंसिल करके आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको कैंसिल कर सकते हो 4 के टेबल में, ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने ये जो आंसर है, ठीक है, ये 10 पे जाएगा, सॉरी 100 पे नहीं, 10 पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 250। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है दैट इज 100x, ठीक है, 250, ठीक है, सॉरी 250 आएगी। तो टोटल वोट्स 100x है, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 25,000। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स वोट्स कितनी थी हमारे पास, 25,000। ओके, अगर वैलिड वोट्स पूछी होती तो हम 81x की वैल्यू निकालते। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना और मुझे बताना कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा वोटिंग वाले क्वेश्चन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू।